राजधानी रायपुर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को प्रोत्साहित करने सभी को स्वच्छता का संकल्प दिलाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छता अभियान से सभी के मोहल्ले, स्कूल, कार्यालय, सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने की प्रेरणा मिली है। स्वच्छता अभियान ने पूरे प्रदेश में जन आंदोलन का स्वरूप ले लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ को सुंदर और स्वच्छ बनाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। देखिए, आज गांधी जयंती है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और गांधी जी को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आज गांधी जयंती को स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाते हैं। और पिछले 10 वर्षों से इस देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा हम लोग मनाते हैं। 17 सितंबर जो भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, और जो आधुनिक भारत के जो विश्वकर्मा हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी भी जयंती है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक पूरा पखवाड़ा सफाई का काम करते हैं। और इसमें हमारे शहरी विकास मंत्रालय, पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय, बहुत से संस्थाएँ, NGOs, हमारे सफाई कर्मी, हमारी सफाई कर्मी दीदियाँ, सभी लोग सफाई में लगते हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते हैं, हजारों इवेंट होते हैं, और बहुत अच्छे से ये 15 दिन ये सफाई का कार्यक्रम चला है। मैं जो भी भाग लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और सबसे आग्रह है कि इस स्वच्छता को अपनी आदत बना लें, सब मिलकर अपने घरों को, अपने गाँव को, अपने शहरों को, गली चौबारों को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सबको, जितने भी सार्वजनिक